सो गाइज गुड मॉर्निंग नमस्ते सत श्री अकाल वेलकम बैक टू द चैनल आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ड्रीम राइड होती है हर एक की लद्दाख और अपन दूसरी बार कॉन्कर करने जाने वाले वही पहाड़ों को जो पिछली बार थोड़े से अधूरे रह गए थे। जितनी अधूरी अधूरी चीजें रह गई थी वो सब इस बार कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। लद्दाख 2022 इज ऑन, लेट्स गेट ऑन टू द बाइक। मिलते हैं सीधा गोप्रो के सेटअप पे, ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है। 5:30 बजे निकलना था, 7 बजे तो निकलते हैं, मिलते हैं कैमरा पे। चलो गाइस फाइनली जो है अपन बाइक पे बैठ चुके हैं एंड पूरी बॉडी गर्म है एकदम। 7:30 हो गया है टाइम, फ्यूल अप कराना है सबसे पहले। चलो मिलते हैं। ओके चलो गाइस वी फाइनली स्टार्टेड, मिलते हैं अपन। आपको कुछ भी रहेगा तो फोन करूंगा मैं, ठीक है? चलो गाइस लेट्स लीव। ओके तो अभी सीन ऐसा है, 7:30 हो गया है, निकल चुके हैं राइड के लिए और फ्यूल अप कराना है जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को। हमको सनी भाई जो तीसरे बंदे अपने को ज्वाइन करने वाले हैं लद्दाख के लिए, वो मिलेंगे 40 किलोमीटर दूर। जैसा कि मेरा मैप ऑन है तो बीच में कोई भी फ्यूल स्टेशन मिलता है तो अपन वहाँ फ्यूल अप करा लेंगे और बाकी वहाँ पहुँच के उनसे भी मिलते हैं। तो अभी आराम से चलना है, ज़्यादा कवर करना नहीं है आज के लिए किलोमीटर्स। हमको 600 ही किलोमीटर कवर करना है विच इज स्टिल इंदौर। इंदौर में आज हमारा स्टे है, कुछ बुकिंग वुकिंग तो ऐसा कुछ खास किए नहीं है हम लोग। आराम से पहुंच जाएंगे और ऐसे ही चलाने वाले हैं हम लोग पूरा दिन। तो बस आई होप आप लोग ये सीरीज को जितना ज़्यादा हो सपोर्ट करो और आप लोग को मज़ा भी उतना ही आए मेरे पर्सपेक्टिव से, ठीक है? चलो ओके, हाईवे टच कर चुके हैं, अभी फ्यूल की बारी। फ्यूल दिख गया है तो यहीं भरा लेते हैं भाई, क्योंकि फ्यूल अपने गाड़ी में कम है, फ्यूल भराना अभी ही सही रहेगा फुल करने के। कितना है फ्यूल इधर? गाइस 106 रुपये है, देखते कितना बैठता है अपने गाड़ी में। 899 का भरा है बॉस, क्योंकि पहले भी थोड़ा बहुत फ्यूल था इसमें, इसीलिए। गाइस फ्यूल अप जो है अपन ने करा लिया है, गाड़ी के किलोमीटर नोट कर लेते हैं। 5577 दिखा रहा है, 0 कर लिया ट्रिप, बट अपनी टोटल किलोमीटर कितनी जर्नी होगी ये भी आप लोगों को जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल जहाँ अपने को वो तीसरा बंदा मिलने वाला है वो 13 ही किलोमीटर दूर है और हाईवे ही है कतई, तो कोई टेंशन का इतना बात है नहीं। आराम से चलेंगे, आराम से पहुंचेंगे, मौज लेते हुए चलेंगे एकदम। राइड की शुरुआत होती है जाम से। क्या जाम लगा हुआ ये हाईवे पे समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। नासिक 170 किलोमीटर खाली बस, और ये किस चीज का जाम है? ये टोल है या ये क्रॉसिंग है या ये कोई गांव है? क्योंकि ये रूट पे बस अपन पहली बार जो है ट्रेवल कर रहे हैं तो इतना आइडिया तो है नहीं मेरे को इस रूट का। वेदर बहुत अच्छा है, वेदर बहुत ज्यादा ही प्लेजेंट है, तो मतलब वो कंपनसेट कर रहा है अभी, मतलब मैं इतना हाइप नहीं हो रहा हूँ, बट हाँ वेदर बहुत ही क्लास हो रखा है, राइडिंग वाला वेदर है इन शॉर्ट, प्रॉपर एकदम प्रॉपर राइडिंग वाला वेदर। गाइस एक्चुअली ये मीटिंग पॉइंट था, पीछे आप देख सकते हो कि नहीं मालूम नहीं मुझे, राजगुरु नगर बस स्टैंड ये हमारा मीटिंग पॉइंट डिसाइड हुआ था। टाइम हो रहा है 8:30, हम लोग को पहुंच के यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं। सनी भाई थोड़े से लेट चल रहे हैं तो वो हमको थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और अभी तक सब सेट है, बस गंदे थोड़े ज्यादा ही जल्दी हो गए हैं। ऋषि बोल रहे थे ऐसे ही अपन 25 दिन चलने वाले हैं। गाइज वेलकम टू लद्दाख, दिस इज हाउ वी राइड टू लद्दाख। और आप लोगों को लिटरली जो है ये सब चीजों का प्रिकॉशन लेना चलता है कितना, क्योंकि ये सीजन में अगर कोई लद्दाख आ रहा है तो आप लोगों को रेन गेयर ये बहुत बड़ा मस्ट है। जैसे रेनकोट देख सकते हो पीछे, पूरे रेन मतलब जो बैग्स है पूरे रेन कवर्स में रख रखे हैं मैंने, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत हो गई बातें, वो आने के बाद मिलते हैं। किधर हो तुम? 9 बज रेला है, किधर हो तुम? ट्रैफिक की लगी पड़ी है। एनीवेज चलो लद्दाख इज ऑन। गाइस ये होने वाले तीसरे राइडर अपने लद्दाख के लिए। ये 3 गाड़ियां आप लोगों को बस अगले 25 दिन तक दिखने वाली हैं और कुछ सीन है ही नहीं। चलते हैं, लेट हो रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है, खड़े खड़े निकलते हैं। गाइस क्या रोड्स हैं, अच्छी रोड्स फाइनली जो है चालू हो चुकी है। बॉयज एंड गर्ल्स फन, बहुत ही मजा आ रहा है बॉस चलाने में, क्लास फील आ रहा है, क्लास। गाइस बेसिकली ये जो इंदौर वाला रूट है ना, ये मोस्टली सिंगल डबल लेन होता ही रहता है, तो मतलब ठीक ठाक है, अच्छा रोड है, रोड क्वालिटी इज रियली गुड। बट अगर गुजरात वाले जो है अपन उससे कंपेयर करें
वो तो भाई सिक्स लेन हाईवे ही है कतई, ऑलमोस्ट अराउंड 400 किलोमीटर तक सिक्स लेन हाईवे है कतई, तो ये भी अच्छा रास्ता है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड, क्योंकि इधर किलोमीटर भी थोड़े बच जाते हैं, 200-300 किलोमीटर का फर्क आ जाता है। बट ये सिंगल डबल, अभी पीछे जो है डबल लेन चल रहा था, अभी अचानक से सिंगल हो गया है, गांव आ जाते हैं छोटे छोटे, स्पीड ब्रेकर्स है बीच बीच में, तो ये सब चलता ही रहता है। तो आप लोग डेफिनेटली चूज कर सकते हो आपके कंफर्ट के हिसाब से कि आपको कौन सा रूट चूज करना है। मेरा वो रूट हो रखा था, इसीलिए मैंने ये रूट पे जो है इसीलिए आया देखने के लिए कि कैसा फील होता है। अभी तक बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट, आगे देखते हैं क्या होता है। और ये गाइस पहला टोल दिन का, और अपने साथ ही साथ 100 किलोमीटर हो गए हैं घर से, मतलब राइड करके सुबह से 100 किलोमीटर हो गए हैं। सो फार द राइड इज गोइंग वेरी स्मूथ। ये रास्ते का एक ही प्रॉब्लम है, अनएक्सपेक्टेड गड्ढे, मतलब इतने पॉटहोल्स हैं, तो रात को तो ट्रैवल मत ही करना, ये मैं सजेस्ट करूँगा, ये वाले रास्ते पे मज़ा नहीं आएगा। प्लस जो पॉटहोल्स हैं आप मतलब अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं अचानक से एकदम, मेरे को डे लाइट में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, सोचो रात को कितना होगा। तो रात को ये रास्ता नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। अगर आपकी गाड़ी को पावरफुल लाइट्स है तो बात अलग, बट रात को देखो अभी डबल लेन दिख रहा है, अब आगे जाके सिंगल हो गया, तो यही प्रॉब्लम है इस रोड का। हाईवे के बीच में अपन रुके हैं स्वराज उद्यूपी डोसा प्लाजा, तो वह सीन इतना सा है कि अभी नाश्ता का टाइम हो गया है, हमारी बाइक्स वहाँ आप देख सकते हो काफी अच्छे से लग चुकी है। नाश्ते में अपन थोड़ा सा साउथ इंडियन, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा उद्यूपी डोसा प्लाजा, तो यहाँ साउथ इंडियन का अच्छा ऑप्शन है, हाइजीनिक इनफ, देख सकते हो आप लोग जो है अपना खाना आ चुका है, कतई डोसा, तो पेलते हैं और निकलते हैं। ओके भैया, नाश्ता हो चुका है अपना, जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर जो कि है इंदौर। वाह क्या राइम किया है, मजा आ गया भाई। तो गाड़ी कुछ बहुत ज्यादा ही गंदी हो गई है, कोई नहीं सह लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ी गंदी होती है तभी अच्छी दिखती है। बाकी मौसम काफी अच्छा है, निकलते हैं और थोड़ा म्यूजिक एंजॉय कीजिए। होप करता हूँ आप लोगों को शॉर्ट्स जो है पसंद आए होंगे। अभी सीन ऐसा है कि अपना जो नासिक है वहाँ तो नहीं जाने वाले, मतलब वहाँ से कट लेंगे थोड़ा सा, बट 100 किलोमीटर की दूरी है अभी। बस वापस से दूसरा कैमरा, जो दूसरा गोप्रो जिससे मैं शूट कर रहा था अभी, उसको अंदर डाल दिया है और ये रेन कवर भी डाल दिया है, तो कतई ये मेहनत ऑन द गो ही होती है। और अब सामने वो पहाड़ देखो भाई, वैसे तो अपन इससे भी लाख गुना बड़े पहाड़ों पे जाने वाले हैं, उसके सामने कुछ नहीं लगेगा, बट ये पहाड़ का भी एक अलग वाइब है अभी के लिए ये। अभी के लिए ये। और भाई क्या फील है राइड का? सो फार आई एम रियली, आई मीन एक मजा आ रहा है, मजा तो आ गया, मतलब सो स्मूथ रोड, इतनी क्लास है भाई, मजेदार है। अभी मारते हैं थोड़ा किलोमीटर्स पे फोकस करते हैं अभी, क्योंकि हमको पहुंचना भी तो है, पता चले व्लॉग ही बनाते रह गए और फिर कुछ हुआ नहीं। रोड नो डाउट बहुत ही सीनिक है और बहुत ही अच्छा है। अगर आप यू नो अहमदाबाद वाले रूट से जाते हो तो इतना सीनिक नहीं है जितना यहाँ दिख रहा है ना सीनिक, मतलब थोड़ा बहुत घाट सेक्शन वगैरह भी हो जाता है, छोटे छोटे घाट हैं बट सीनिक है, पर खड्डे बहुत हैं। मेरा एक ही कंप्लेंट है इस रूट से, खड्डे अनएक्सपेक्टेडली आ जाते हैं, और वो भी ऐसे ना ऐसे चल रहा, बीच में खड्डा आ जाएगा तो आप लोग यू नो जज नहीं कर सकते कि भाई क्या खड्डे का सीन है अपना, तो उससे आपका जो है
गाड़ी का नुकसान होना मतलब हो सकता है, तो बस इसीलिए बोल रहा हूँ मैं कि भाई सोच के आना और दिन में ट्रेवल करना ये रूट पे। और गाइस इन द मिडिल ऑफ द रोड दुविधा तो नहीं आई है, टाइम पास करने रुके हैं बेसिकली। ये भैया जो है थोड़े से पीछे छूट गए थे, इसीलिए हम लोग, क्या नजारे हैं, ये बाइक पूरी गंदी है। बाकी अभी अपडेट इतना है, यहाँ से नासिक अराउंड 40 किलोमीटर है, आराम से चलना है, जल्दी इसको है, आराम से चलेंगे, आहिस्ता चलेंगे। देखो भैया यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हो तो नागपुर निकल जाते हो और सीधा जाते हो तो बस इंदौर निकल जाते हो, मतलब नासिक हो के, नासिक भी नहीं इनफैक्ट थोड़ा सा बीच में से निकल जाएंगे। वो क्या बीच है ये आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये फन व्लॉग के साथ साथ गाइस इन्फॉर्मेटिव व्लॉग भी होने वाला है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्ती मस्ती चल रही है, बट बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और रास्ते का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होने वाला है। तो गाइस एक्चुअली सीन ऐसा है, हाईवे से हम लोग सीधा चले गए थे गलती से, तो यू टर्न मार के आए हैं अभी। अगर आप ऊपर चढ़ जाते हो तो बॉस आप नासिक सिटी में घुस जाओगे, ये नासिक बाईपास कर देगा सीधा, तो ये ज़्यादा बेटर है ना। सिटी में घुसोगे तो भाई आपका फालतू ट्रैफिक लगेगा सिटी का। अबे यहाँ से हम ब्रिज के नीचे से राइट लेके बाईपास हो जाएंगे नासिक एकदम। तो ये ध्यान रखना भाई, यहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है, तो गूगल माता को जो है जिंदा रखना अपनी, नहीं तो हो नहीं पाएगा, नहीं तो आप आगे निकल जाओगे, फालतू सिटी का ट्रैफिक लगेगा, तो फिर आप लोगों को मतलब टाइम चला जाएगा। इन शॉर्ट गाइस जिस हिसाब से राइट लेफ्ट हो रहा है ना, मतलब ये बाईपास तो लग नहीं रहा है शायद, पर हाँ मतलब ये निकाल देगा, बाहर बाहर से निकाल देगा ऐसा लग रहा है, बट यहाँ गूगल मैप्स की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी सनी भाई है वो लीड कर रहे हैं, तो गूगल मैप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी तरह उनका ही है, अपना नहीं है, तो अपन तो भैया फॉलो करने का काम कर रहे हैं। आई गेस ये सिनर है, ट्रैफिक तो है भाई। सिन्नर की सड़कों से गुजरते हुए बारिश का आमंत्रण हो चुका है, आप जैसा कि देख सकते हो पूरी रोड गीली और बारिश भी बहुत जोर से आ रही है। रेनकोट वगैरह पहन लिए थे अपन रुक के, पर मतलब रोड अच्छी है, आप देखो एकदम कहते तामिनी घाट जैसा फील आएगा। एनीवेज ये है सिन्नर। ओ भाई साहब, मैंने कभी लाइफ में इतना नीचे पुल देखा नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग, तो पानी तो यही है कहते ही, मैंने कभी नहीं देखा यार, पानी बहुत ज्यादा है, तो पुल इधर ही है, मतलब पुल पे भी आ जाएगा थोड़े दिनों बाद अगर ऐसा ही फ्लो होता रहेगा तो। अभी हम लोग स्टेट हाईवे पे हैं, इसीलिए सिंगल रोड है। सनी भाई से अभी पता लगा है कि थोड़ी देर में एक लेफ्ट टर्न आएगा और वहां से जो है अपना 4 लेन हाईवे चालू हो जाएगा, तो वहां हम लोग स्पीड पकड़ सकते हैं। इधर क्या दिक्कत होती है, रोड अच्छी है, चलो सब लोग मेंटेन भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत डिसिप्लिन, बट एक प्रॉब्लम है कुत्ते, डॉग्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जब रोड क्रॉस करते हैं ना अचानक से, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा सेफली चल रहे हैं, आराम से चलेंगे, बहुत लेते हुए चलेंगे। रुके हैं रास्ते के बीच में कतई, और पीछे आप देख सकते हो किसी का घर है गाँव वाले का, तो थोड़ा सा टॉयलेट ब्रेक हो गया था और अभी हो रहा है, इनफैक्ट अंदर गए हैं वो लोग, सनी भाई गए हैं, तो ऐसे बहुत हेल्पफुल लोग मिल जाते हैं भैया, ऐसे कोई अपने घर में किसी को इनवाइट नहीं करता है पहली बात, तो जब आप कुछ ऐसे इतने बड़े काफिले के साथ चलते हो तो लोग डरते हैं, बट यहाँ के लोग ज़्यादा हेल्पफुल हैं इसीलिए उनको इन्वाइट किया है मूत्र विसर्जन पे। दैट्स अ गुड इन्विटेशन। बट यहाँ से जो है अपना मालेगांव है 50 किलोमीटर, वहाँ से हमको जो है अच्छा वाला हाईवे मिलने वाला है, तो अच्छे वाले हाईवे के लिए इंतज़ार है, क्योंकि अभी जो है गांव का रास्ता चल रहा है सिंगल लेन, कुत्ते गाय भैंस बैल गाड़ियाँ कहीं से भी आ रही हैं, तो बस थोड़ा बच के चलना पड़ रहा है। थोड़ी सी ये मोमेंट पे जो है जर्नी थोड़ी सी लूज लग रही है, बट नेवरदलेस अपन जैसे ही हाईवे टच करेंगे मज़ा आ जाएगा, फिर से वो जोश जो है लद्दाख जाने का विल बी ऑन। गाइस हम लोग फाइनली जो इंदौर वाला हाईवे है वो एंटर कर चुके हैं, और क्या क्लास हाईवे है भाई, बहुत ही सही फील है भाई, बहुत ही सही फील। और ये मतलब ऐसा प्रॉपर हाईवे नहीं बोलेंगे, लाइक स्ट्रेट हाईवे नहीं है,
जैसे पहाड़ों को काट वाट के बीच में से बनाया गया है, पर बहुत ही तगड़ा है भाई, बहुत ही तगड़ा। मतलब हाईवे पे लगते ऐसे छूटे हैं ना हम लोग। गाइस लंच का प्लान बन रहा है 4:30 बजे शाम को, तो देखते हैं एक मिला है यार, ये बंद है कि नहीं पता नहीं है, चलो देखते हैं, मिलता हूँ कैमरा के सामने। तो भैया सीन ऐसा है जैसा कि अपन ने बोला था आपको कि खाने के लिए रुके हैं और ये पुरुष ने ये जगह रिकमेंड की है, देखते हैं अभी खा के कैसा है। पहले तो पनीर आया है, मेन कोर्स भी ऑर्डर कर दिया है। टाइम अपडेट 4:58 हो गया है और अभी भी इंदौर जो हमारा आज का डेस्टिनेशन होने वाला है वो 300 किलोमीटर है, अराउंड 6 घंटा जाएगा। तो पहुंचते हमको 11 या 10 तो बज ही जाएगा, आराम से चलना है तो कोई टेंशन है नहीं। बात खाना वाना जो है डन हो चुका है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू गाइज दिस होटल, होटल शिवा पंजाब भाई, इंदौर हाईवे पे, मालेगांव के 5 किलोमीटर पहले ही आता है। बहुत ही तगड़ा सा है भाई, मजा आ जाएगा खा के। वेज है, प्योर वेज है, तो हम लोग ज्यादा वैसे भी मतलब यू नो हैवी नहीं खाना चाहते थे राइड कर रहे, और अभी ऑलमोस्ट अराउंड 300 किलोमीटर का राइड रह गया है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती है राइड पे। जब आप निकलते हो, आपकी हेल्थ, आपकी बाइक की कंडीशन, आपकी मेंटल हेल्थ, ये सब बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो आप लोग उसी हिसाब से खाइएगा, ज्यादा हैवी मत खाना। अब बाकी बाइक अपन वापिस सेट कर चुके हैं, वो लोग आते हैं तो अपन निकलते हैं। इस खाने वाली जगह से तो निकल चुके हैं अपन, अभी टाइम हो रहा है 6:26, पेट्रोल आधा टंकी है मेरा, वैसे तो 260 किलोमीटर मतलब 300 किलोमीटर चल चुकी है अपनी गाड़ी अभी तक, फिर भी आधा मतलब आधा टैंक दिखा रहा है। अभी सब भरा रहे हैं, इसीलिए मैं भरा रहा हूँ जिससे कि एक बार का जो है इंदौर पहुंच जाए अपन, बीच में रुकना ना पड़े फ्यूल के लिए। 810 रुपए का पेट्रोल भरा है अपना, कतई 7.64 लीटर। गाइस वी आर स्टिल ऑन द वे टू धुले, लोगों से मिलने के लिए जो सब्सक्राइबर्स या फैमिली मेंबर्स या जो मेरे यूट्यूब फैमिली से मुझे जानते हैं वो लोग के लिए। अभी एक्चुअली ऋषि का कुछ टेल बैक का सीन है इसलिए वो सेट हो रहा है पीछे। सनसेट होने वाला है, टाइम अराउंड 7 बज गया है शाम का, गाड़ी पूरी गंदी अपनी और हाईवे कतई स्मूथ। अभी पता नहीं कितनी देर तक ये मिलेगा क्योंकि हमको इंदौर पहुंचते पहुंचते तो रात ही होने वाली है, और रात मतलब आई लिटरली मीन रात वाली रात, बहुत लेट हो जाएगा। बट यार क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, सनसेट दिखेगा नहीं क्योंकि बादल बहुत ज्यादा ही है वहाँ। अभी तक तो बाइक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, माइलेज भी अच्छा निकल के आया है क्योंकि अपन ने कुछ रैश राइडिंग नहीं की, बहुत आराम से चलाई है, बाकी सब बढ़िया है, मौज में चल रहा है सब। गाइस धुले के टोल पे तो पहुंच चुके हैं, अभी देखते हैं अपने जो भाई बंधु है वो कहाँ रुके हैं, क्योंकि उनका फोन आया था यार, उन मतलब बहुत ज्यादा ही लेट हो गए वो मेरे वजह से। अरे यार भाई बहुत ज्यादा लेट हो गए यार, पहुंच गए थे अपन जैसे कि बोला धुले टोल प्लाजा, ये सब लोग अपने को मिलने हैं। वैसे बात इनसे हुई थी पर ये इन लोगों को मैं अभी तक जानता नहीं हूँ, बातचीत हुई, भैया ने पेड़े वेड़े खिलाए, बेस्ट लक विशेस दी। ऐसे ही जब भी रस्ते पे देख लिया करो यार, मिल लिया करो, बहुत ही अच्छा लगता है। इंदौर यहाँ से कितना बोले 250 किलोमीटर, 250 है, रात को 1:30 बज जाएगा। लाइट्स अच्छी परफॉर्म कर रही है वैसे तो, पर अभी बहुत सारी दुविधा आ रही है क्योंकि खड्डे बहुत ज्यादा है रस्ते पे, तो जज करने में थोड़ा सा यू नो लेट हो रहा है। नेवरदरलेस एडवेंचर पूरा ऑन है, लद्दाख इज ऑन, हैप्पी जर्नी, बस ये चाहिए था अपने को जोश, और एक बार जोर से हो जाए ये बात, ये मजा आया। चलो गाइस मिलते हैं रोड पे। गाइस जो लोग आए दिल से खुश हुआ भाई, मजा आया बहुत मुझे। धुले के टोल प्लाजा पे है और अभी जो है इंदौर यहाँ से 250 किलोमीटर है, टाइम हो रहा है अराउंड 8:30, तो हम लोग देखते हैं क्या प्लान बनता है क्या नहीं, आप लोगों को अपडेटेड रखेंगे। पर भाई बहुत अच्छा लगा दिल से जो भी मिलने आए, मतलब ऐसा लगता है कि आई एम लिटरली क्रिएटिंग ए डिफरेंस इन योर लाइफ, क्योंकि वो लोग अंदर से आए थे यार सब लोग, और वो कोई आम बात नहीं है। मेरे लिए 2 घंटे रुके वो लोग, वेरी सॉरी गाइज अगर आप लोग देख रहे हो, मेरी गलती थी एक्चुअली, बीच में बाइक का थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट हो रहा था तो वो सब मैनेज करना पड़ता है अपने को थोड़ा राइड पे, पर जैसा भी है चलो अब निकलना है तो निकलना है इंदौर। चलो गाइज लेट्स लीव। गाइज आई होप आप लोगों ने जो मेरा प्रिपरेशन वाला व्लॉग है वो देखा होगा, क्योंकि उसमें मैंने मेरा लाइट सेटअप दिखाया था। बॉस क्या प्यारा लग रहा है, क्या लाइट थ्रो हो रहा है, मजा आ गया।
एक एक खट्टा इतना अच्छे से दिख रहा है, क्या बताऊं भाई, बहुत ही सही। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो। अभी हमारा प्लान है बॉस कि इंदौर ही मारेंगे अभी के लिए, और अगर उससे आगे भी जा सकते हैं तो जाएंगे, क्योंकि वाई नॉट गाइज। और देखते ही देखते अपन जो आ चुके हैं महाराष्ट्र MP बॉर्डर। हम लोग ने नोटिस नहीं किया, हम लोग एक्चुअली रुके हुए थे इधर ऐसे ही टाइम पास करते करते, मेरी बस नजर गई ऐसे और हमने देखा यार ये तो बॉर्डर पे खड़े हैं हम कतई। वी आर फाइनली इन मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश ऑब्वियसली थोड़ा आगे जाके ही होगा, ये तो बस बीच का इंटरसेक्शन होता है हर स्टेट के। पर अभी इंदौर रह गया है 195 किलोमीटर, यहाँ से तो इंदौर मारने का ही ट्राई करने वाले हैं। ट्राई क्या, मारेंगे ही, और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और मजा आ रहा है अभी राइड में, मौसम सुहाना है, बाइक अच्छी चल रही है, और क्या चाहिए जिंदगी में, तो चलते हैं। और भैया इंदौर में आपका स्वागत है रात के 2:30 बजे, और इंदौर का स्वागत कतई गड्ढों के साथ ही हुआ है, इतने गहरे गड्ढे, ओहो ऑफ रोड हो गई, लद्दाख हो गया यहाँ। रात का 2:30 बज गया है, इंदौर पहुंच चुके हैं अपन, बस अभी होटल ढूंढना जो है बाकी है और जाके सोना बाकी है, क्योंकि कल का प्लान भी थोड़ा हमारा लंबा सा ही है, तो उस हिसाब से रेस्ट तो मांगता ही बिड़ू। चलो गाइस मिलते हैं सीधा होटल रूम में। तो भैया फाइनली जो है होटल रूम मिल गया है, बहुत ही ज्यादा दुविधा के बाद हमको लिटरली अभी, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोग 2:30 बजे जो है इंदौर पहुंचे और हमको सुबह 6 बजे जो है चेक इन मिला होटल में। 4 घंटे हमको लॉबी में रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ 15th अगस्त है। अच्छा 15th अगस्त है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, ऑल इंडियंस आउट देयर, भाई जय हिंद जय भारत। मुद्दे की बात अब ऐसी है कि यहाँ इंदौर में प्री बुकिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप बस झूलते रह जाओगे, भटकते रह जाओगे। वेल हम लोग को तो मिल गया है होटल, होटल आपको अगले व्लॉग में दिखेगा जो कि है इंदौर टू दिल्ली वाला व्लॉग। फाइनली इंदौर पहुंच चुके हैं, लद्दाख की जर्नी शुरू हो चुकी है। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी है, अनिवार्य। विद दैट नोट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। This is Vikrant Saxena signing off. Bye bye. Ride hard, ride safe. Milte hain agle vlog mein.